मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। माशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जड़ा है। लाहौर में ताजिरों से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि ताजिर की दुकान चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। मईशत मुस्तहकम होगी तो तरक्की और खुशहाली आएगी। वक्त की जरूरत है कि मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम आए। हर रोज धरनों की धमकियां, न जाने किया किया जबान इस्तेमाल की गई। मुआशरे में तकसीम दर तकसीम कर दी गई। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है तो तकसीम खत्म करना होगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। 16 माह में रियासत को बचाया और सियासत की परवाह नहीं की। अगर रियासत ना बचती तो सबकी सियासत दफन हो जानी थी। हमने नौजवानों को हुनरमंद बनाना है, क्लाशनकोफ नहीं लैपटॉप देना है। खुशहाली, माशी इंसाफ और गुर्बत का खात्मा चाहते हैं तो नवाज शरीफ का वालेहाना इस्तकबाल करना होगा। साबिक वजीर आजम का कहना था कि नवाज शरीफ की क्यादत में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफर 2018 से शुरू करेगा। नवाज शरीफ ने 20-20 घंटे के अंधेरे खत्म किए। सी पैक आया और 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। नवाज शरीफ की तरक्की का सफर खत्म किया गया तो मुल्क में अंधेरे और तबाही हुई।